फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स। तो फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स में हम आज डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के दो सेल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल दो सेल्स होते हैं। एक हमारे पास है जाइलम, और जिस तरह आप सबको पता है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और दूसरा क्या है, शाबाश, फ्लुइम, और जिस तरह आपको पता है फ्लुइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो जाइलम है हमारे पास, जाइलम, अब डिस्कस करते हैं कि जाइलम इन एंजियोस्पर्म्स। और फिर डिस्कस करते हैं जाइलम इन रिस्ट प्लांट्स। रिस्ट प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म के अलावा तमाम हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, फर्न्स वगैरह वगैरह। तो एंजियोस्पर्म में ये जो जाइलम है, ये हमारे पास नंबर वन, इसको विसल एलिमेंट्स कहते हैं। विसल एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड एक्सिल्स होता है फाइबर। और इसके साथ कनेक्टेड एक दूसरा सेल है, उसका नाम है हमारे पास पेरेन्काइमा। क्या चीज है, शाबाश, एंजियोस्पर्म में ये तीन चीज मिलकर जाइलम बनाते हैं, जिसमें ये जो हमारे पास विसल एलिमेंट है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये ट्रांसपोर्टिव जाइलम है। फाइबर ये सपोर्ट का काम करता है, तो ये सपोर्टिव जाइलम है। और पेरेन्काइमा ये स्टोरेज का काम करता है, तो ये स्टोरेज जाइलम है। शाबाश, नेम द स्टोरेज जाइलम। पेरेन्काइमा, द सपोर्टिव जाइलम और द ट्रांसपोर्टिव जाइलम। तो मेरा टॉपिक का नाम क्या है, तो मैं क्या चीज डिस्कस करूंगा, विसल एलिमेंट्स। मैं किस चीज को डिस्कस करूंगा, विसल एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगा। इन रिस्ट ऑफ द प्लांट्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर वन, विसल एलिमेंट्स के बजाय ट्रेकीड्स होते हैं। दूसरे नंबर पर फाइबर्स है। और तीसरे नंबर पर पेरेन्काइमा है। अगेन डिस्कस करते हैं, पेरेन्काइमा क्या है, शाबाश, स्टोरेज जाइलम है। फाइबर क्या है, सपोर्टिव जाइलम। और ट्रेकीड क्या है, शाबाश, ट्रांसपोर्टेशन। अब जाइलम में मैं
डिस्कस करूंगा, बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता दूं जाइलम में मैं डिस्कस करूंगा क्या चीज क्या बात। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ट्रेकिड्स को डिस्कस करूंगा और वे शरीर ये दोनों लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो इससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस निकल जाते हैं, ये डेड सेल बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की जगह स्पेस बन जाता है और उस स्पेस में ये वाटर इंसाइड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्लियर है? अच्छा, अब फ्लूइम डिस्कस करते हैं। तो सेम केस है, फ्लूइम इन एंजियोस्पर्म, और इस तरह फ्लूइम एंजियोस्पर्म में ये जो फ्लूइम है तो एक है फाइबर जो कि सपोर्टिव है, दूसरा है पेरेन्काइमा जो कि स्टोरेज सेल है, तीसरा है रे सेल, ये भी स्टोरेज है, और चौथा है हमारे पास क्या चीज, सीव ट्यूब, ये ट्रांसपोर्टिव है। क्लियर है? यहां पर क्या है, फ्लूइम फाइबर है, पेरेन्काइमा है, फ्लूइम रे सेल है। रे सेल और पेरेन्काइमा ये दोनों क्या चीज है, शाबाश, ये सब स्टोरेज है। सीव ट्यूब अवर कंपेनियंस, तो इस फ्लूइम में मैं डिस्कस करूंगा एक कंपेनियन सेल को डिस्कस करूंगा जो कि एंजियोस्पर्म में नहीं है और जिम्नोस्पर्म वगैरह में मौजूद है, और सीव ट्यूब को डिस्कस करूंगा। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट जो काम है उसको डिस्कस करें। अब ये हमारे पास क्या चीज है, जाइलम, और ये हमारे पास क्या चीज है, फ्लुइम। अब जाइलम में ट्रेकीड्स है, ये लॉन्ग जाइलम है, नैरो जाइलम है, और ये थिक वॉल जाइलम है। द लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल जाइलम इज कॉल्ड ट्रेकिड, द लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल जाइलम इज कॉल्ड ट्रेकिड।
और इसके साइड में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, पिट्स उसको हम कहते हैं। हैव लेटरल साइड में पिट्स, सुराख होते हैं। इसी तरह अच्छा एक और बात, 80 माइक्रोन मीटर वाइड है, और ये डिडसिल है। डिडसिल का मतलब है जाइलम, और इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं है। नंबर सेकेंड, विसल एलिमेंट्स, तो वैसे एलिमेंट ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ये क्या है हमारे पास, शाबाश, शॉर्ट है। लॉन्ग की बजाय क्या है, शॉर्ट। नेरो, नेरो की बजाय ये क्या है, वाइड। थिक वॉल की बजाय ये क्या है, थिन वॉल। लेटरल पिट्स भी है और इन टू इन पिट्स भी है। एंड टू एंड प्लस लेटरल पिट्स, इसके साइड में भी सोरा है, और एंड एक एंड और दूसरे एंड, और ये 1/4 inch यूवाइड है, और ये भी डेड सेल है। डेड सेल, इसमें भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं है। इसी तरह फ्लूइम है, तो फ्लूइम में सीव ट्यूब है, ये ट्यूब्यूलर ट्यूब लाइक है। एंड कंटेन, इसमें एंड में पोर्स होते हैं, सीव प्लेट उसको हम कहते हैं। इसके एंड में पोर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स कहते हैं हम। और ये हमारे पास लिविंग सेल है, लेकिन साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, कंपेनियन सेल, जो कि एंजियोस्पर्म में नहीं है, ये भी राउंड ट्यूबुलर सेल है। इसमें ये राउंड ट्यूबुलर सेल है और इसके एंड में पोर नहीं है। इसके एंड में पोर नहीं है और ये लिविंग सेल है। इसके मतलब इसमें है न्यूक्लियस। इसमें क्या चीज है, शाबाश, है न्यूक्लियस है। अब ये लेट सपोज हमारे पास कंपेनियन सेल है,
गिलेट सपोज हमारे पास क्या चीज है, कंपेनियन सेल, और ये लेट सपोज हमारे पास क्या चीज है, कंपेनियन ट्यूब है। स्यू ट्यूब में ये स्यू प्लेट, तो हमारे पास ये जो कंपेनियन सेल है और स्यू ट्यूब है, इसके वाल्स में बाज औकात यहां पर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सोराख होते हैं, दोनों के वाल्स कट जाते हैं, तो प्लाज्मोडी, प्लाज्मो का मतलब है वाल्स, डी का मतलब है रिमूव होते हैं, स्मेटा का मतलब है सोराख होते हैं उसमें। तो दोनों के वाल्स में प्लाज्मो डी स्मेटा कहलाते हैं। अब ये हमारे पास मेसोफिल सेल है, जिलाइबा, लाइबा सर ये कंपेनियन सेल तो नहीं होते ना एंजियोस्पर्म में, तो जी फिर जी ये जी अपने अकेले तो स्यू आप टॉप, ये क्यों एक साथ अकेले स्यू ट्यूब वो काम करते हैं, अकेले स्यू ट्यूब। अब प्रेजेंट होते हैं जरा ये कंपेनियन सेल बट काम नहीं करते। अच्छा, माइक पे रहो, मतलब अनम्यूट ना होना। अब जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये मेरे पास मेसोफिल सेल है, ये क्या चीज है, शाबाश, ये ठीक मेसोफिल सेल है। अच्छा ये क्या चीज है, शाबाश, ये मेसोफिल सेल मैं अभी बना रहा हूं, ये हमारे पास मेसोफिल सेल है। अब मेसोफिल सेल में जब C6H12O6 मतलब ग्लूकोज जब बन जाता है, तो वो यहां से एक्स ओस्मोसिस के जरिए बाहर निकलकर कंपेनियन सेल में आकर और यहां पर माइटोकांड्रिया होता है, तो प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए वो सक्रोज यहां पर आता है या ग्लूकोज यहां पर आता है। अब चूंकि हमारे पास एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं है, तो फिर हमारे पास जो शुगर है ये डायरेक्ट आता है स्यू ट्यूब में, और उसमें लेटरल पिट्स होगा, लेटरल पिट्स होगा कंपेनियन सेल और स्यू ट्यूब के दरमियान जो सोराख है उसको प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। अगर कंपेनियन सेल मौजूद नहीं है तो लेटरल पिट्स होगा। तो आई एम श्योर कि लाइवा आप क्लियर होगी अब। जी जी क्लियर थैंक जी। यू जी। फाइजा हेलो सर, जी, सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी तो यहाँ पर जो आवाज की फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो तो बहुत ठीक है बिल्कुल। मेरे पास कोई इशू है। अच्छा फिर भी मैं एडमिन को बताता हूँ ताकि वो चेक कर ले, ठीक है। जी हुस्ना जी, मनाहिल अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, मनाहिल सर आवाज़ ठीक आ रही है, फायज़ा को शायद नेट प्रॉब्लम होगा, कोई नहीं, तो आवाज़ आपकी बिल्कुल ठीक है। वेलकम। थैंक यू मनाहिल, थैंक यू मनाहिल, थैंक यू हुस्ना। सर आप कह रहे हैं कि कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म में नहीं होते, लेकिन हम तो पढ़ रहे बुक में लिखा है कि एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया कि जिस प्लांट में कंपेनियन सेल नहीं होते, जिस प्लांट में कंपेनियन सेल नहीं होते, तो फिर वहां से मेसोफिल सेल से डायरेक्ट वराग जाता है। मैं सिर्फ इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा था, ठीक है। और कंपेनियन सेल्स यस, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, ठीक है, एंजियोस्पर्म में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, ठीक है, फरन्स वगैरह इसमें नहीं होते। थैंक जी यू।
अच्छा अब ठीक हुआ। अच्छा अब डिस्कस करते हैं इसके बाद क्या चीज है। शाबाश ऑस्मोटिक क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। ऑस्मोटिक क्वांटिटीज या इसको हम वाटर स्टेटस इन प्लांट्स ये भी कहते हैं। वाटर स्टेटस इन प्लांट्स, तो वाटर स्टेटस इन प्लांट्स में हमारे पास वाटर पोटेंशियल है। पोटेंशियल को हम साई और वाटर को हम डब्ल्यू। दूसरा है सॉल्यूट पोटेंशियल। साई सॉल्यूट साई इस या इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। साई ओ और तीसरा है प्रेशर पोटेंशियल। प्लांट के अंदर वाटर है, अगर वाटर जाइलम जाइलम में मूव कर रहा है तो मूवमेंट के दौरान वाटर की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। या अगर वाटर पेरेन्काइमा के अंदर स्टोर है, पेरेन्काइमा के अंदर अगर वाटर स्टोर है तो हमारे पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं एनर्जी ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अब वाटर पोटेंशियल हमारे पास मैक्सिमम होगा, प्योर वाटर की पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम का मतलब है प्लस में होगा। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर में मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है प्लस में होगा एंड इट इज कैलकुलेटेड इन किलोपास्कल। ये तो आसान है। अगर हम वाटर में साल्ट एड करें, एडिंग साल्ट इन वाटर सॉल्यूट्स इन वाटर क्रिएट्स सॉल्यूट पोटेंशियल। या इस तरह सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल में कमी, वाटर पोटेंशियल में कमी, वाटर पोटेंशियल में कमी किस तरह कमी लाओगी अगर आप उसमें साल्ट ऐड करोगे तो इसको हम क्या कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। एडिंग सॉल्यूट इन वाटर मेक सॉल्यूट पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। ये क्या होगा नेगेटिव होगा।
अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 ml वाटर है, क्या चीज है, 5 ml वाटर है और उसमें मैंने 5 ग्राम साल्ट डाला, तो मैंने वाटर की जो फोर्स है, एफिनिटी है, जो प्यूरिटी है, उसको कम किया बाय एडिंग साल्ट्स, तो मेरे पास वाटर पोटेंशियल में कमी आया, साल्ट पोटेंशियल में ज्यादा भी आया, वाटर पोटेंशियल में कमी और साल्ट पोटेंशियल में ज्यादा भी। इसे क्लियर? अगर मैं इस बीकर में दोबारा वाटर ऐड करूं ताकि मैं वो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स को दोबारा कम करूं, तो अगर आपके पास एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें साल्ट ज्यादा है, पानी कम है, पानी की पोटेंशियल कम है, वाटर पोटेंशियल कम है, और वाटर पोटेंशियल को ज्यादा करने के लिए आप उसमें कंटिन्यूसली वाटर ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग प्रेशर पोटेंशियल, यू आर क्रिएटिंग प्रेशर पोटेंशियल। सो ये क्या है, एडिंग इन अ इन अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। शाबाश, एडिंग वाटर इन अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड हाई अप द वाटर पोटेंशियल इन ऑर्डर, यह मैं लिख सकता हूं, इन ऑर्डर टू, ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है इसको कम करना है नीचे वाला एरो, और वाटर जो पोटेंशियल है इसको ज्यादा करना है। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक कंडीशन है, मेरे स्टूडेंट ज्यादातर मुझसे पूछती है कि मतलब सर ये कंडीशन है, हम इसको नहीं समझते कि क्या चीज है। अब वो कहते हैं कि सर अब ये वाटर पोटेंशियल है ये कम हो रहा है, और ये सॉल्यूट पोटेंशियल है ये ज्यादा हो रहा है, वाटर पोटेंशियल में कमी, सॉल्यूट पोटेंशियल में ज्यादती, इसको डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं, DPD, इसको डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं। मैं इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, ओस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल अगर ये ज्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं, DPD, इंक्रीज DPD, इंक्रीज। अभी मैं इसके बात करूंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो वहां पर DPD का जिक्र है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इस कंडीशन को कहते हैं। यहां देखो, अगर वाटर पोटेंशियल कम है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, DPD पर क्या होगा, शाबाश, DPD होगा हाई, ज्यादा होगा, इंक्रीज। अब इसको चेंज कर दो, शाबाश, यहां देखो प्लीज, एक और बात, इस कंडीशन में ये जो मैंने लिखा है, इस कंडीशन में ये जो मैंने लिखा है, अब क्या है, वाटर पोटेंशियल कम है या ज्यादा है, और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, तो इस के साथ मैं क्या करूं कि वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, प्रेशर अप्लाई करूंगा, एडिंग वाटर करूंगा ना, तो यहां पर इंड ओस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, इंड ओस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, और इंड ओस्मोसिस ऑफ वाटर के लिए, इंड ओस्मोसिस ऑफ वाटर के लिए, यहां देखो, एक सेल के अंदर वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो वो सेल कंसंट्रेटेड है ना,
तो बाहर से उसमें पानी ज्यादा जाएगा कि नहीं, तो इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा ना, तो ये सेल हमारे पास क्या होगा, इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, सेल बिकम क्या होगा, सेल बिकम क्या होगा, शाबाश, टर्जिड होगा, सेल बिकम टर्जिड होगा। और अगर ये सेल आप स्टोमेटा का जिक्र कर रहे हैं तो स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा फिर क्या होगा, ओपन होगा। ये अभी आप के सामने प्रूफ हो जाएगा इसके बाद जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और अगर इस कंडीशन के अलावा एक कंडीशन है, यहां देखो शाबाश शाबाश, यहां देखो, अगर वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, सल्यूट पोटेंशियल क्या है, कम, तो फिर हमारे पास क्या होगा, डीपीडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज डीपीडी होगा ना। और डिक्रीज डीपीडी में क्या होगा, डिक्रीज डीपीडी में अब सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो ज्यादा पानी डिफ्यूजन के जरिए बाहर जाएगा, डिफ्यूजन में अगर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, तो बाहर जाने को एक्सोस्मोसिस कहते हैं। और एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर से अगर पानी निकल रहा है तो एक सेल टर्जिड होगा या श्रिंक होगा, सेल बिकम श्रिंक, सेल बिकम श्रिंक, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और स्टोमेटा क्लोज होगा अगर गार्ड सेल का आप जिक्र करें। शाबाश, अब इसको समझने के लिए अब मैं आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कर रहा हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। शाबाश, जी सर, द इक्वेशन माने मुलक बोए के वाटर पोटेंशियल बराबर है सॉल्यूट पोटेंशियल के प्रेशर पोटेंशियल। हे शागिर्दे, उसमें अगर तो हुए छे उस पछे कम दे ज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा को मनो डेफिनेटली पपलो के क्वेश्चन। हां सर सही है, सही है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा माने पोए ने शुई पाही के बाद द इक्वेशन जान पे छिली के लिए गाना या स्क्रीनशॉट दे रिश्ती अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अब ये जरा कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना हो, इसको बिल्कुल गौर से सुन लीजिएगा। इसमें हमारे पास एक हाइपोथेसिस है और उस हाइपोथेसिस का नाम है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या है, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक कि स्टोमेटा रिमेन्स ओपन इन डे टाइम, कि स्टोमेटा डे टाइम में क्या होता है,
स्टोमेटा डे टाइम में क्या होता है, ये ओपन होता है। स्टोमेटा डे टाइम में क्या होता है, शाबाश, ये ओपन होता है, ओपन। क्यों डे टाइम में क्या होता है डे टाइम में? क्योंकि डे टाइम में स्टार्च कन्वर्ट होते हैं शुगर में। गुजरा 12 बजे को, हाँ गुजरा 12 बजे को मजद कवा नूर तुम्हें प्रेरा तो मजद कवा। स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें, शाबाश, शुगर में। स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। अब डे टाइम में क्या होता है, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक दिन के वक्त स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में। अब स्टार्च जिस तरह आप सबको पता है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, इन पॉलीसेकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहां पर वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो पोटेंशियल यहां पर ज्यादा है। और सॉल्यूट पोटेंशियल यहां पर क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब अगर ये कन्वर्ट हो रहा है शुगर में, शुगर का लफ्ज में बार बार अपने स्टूडेंट को बता रहा हूं, मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करता है। शुगर मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करता है एंड मोनोसैकेराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। तो मोनोसैकेराइड सॉल्युबल इन वाटर है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है और वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में कोई चीज एड हो रहा है, तो यहां पर वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो अभी तो मैंने बताया, पूछना अगर मुझे सुन रहे हो तो जी सर, जी डे टाइम में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है तो सर वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होंगे सर? ए द खुदे खातिर लग मावोर जिसवेल ग्वाड़ जिद तो साबित हूं मैं कना। सर ये खबर नहीं है सर। दिन के वक्त स्टार्च ही कन्वर्ट होता है किस चीज में, शुगर में। शुगर मोनोसैकेराइड को कहते हैं, मोनोसैकेराइड सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल कम है। तो अगर ये कंडीशन है, इससे पहले वाला जो मैंने स्लाइड डिस्कस किया है, यही तो मैंने बताया कि अगर वाटर पोटेंशियल हमारे पास कम है, सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, तो डीपीडी हाई होगा, और अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, तो हमारे पास क्या होगा? तो यहां पर हमारे पास डिक्रीज, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अब दिन का वक्त है, गौर से मुझे सुनो, दिन का वक्त है, तो डेफिनेटली गार्ड सेल में क्या होगा, ये मैं गार्ड सेल का जिक्र कर रहा हूं, ये प्रोसेस जो अभी मैं नीचे लिख रहा हूं, ये गार्ड सेल में, तो दिन का वक्त है, गार्ड सेल के अंदर, चूंकि ये प्लांट का सेल है, और हम कहते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में 70-90% वाटर होता है, तो वाटर हर एक प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है। CO2 आता है, CO2 नॉर्मली, अब अगर आप लोग देख ले तो H2O और CO2 से बनता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड बनेगा, क्या चीज बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। लेकिन चूंकि दिन का वक्त है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, तो H2O और CO2 ये मिलकर ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। अब जिस तरह आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो ये H2O NH2O है, और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर आ रहे हैं, तो ये NCO2 है। यार इनका मतलब है ज्यादा,
वाटर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ज्यादा ग्लूकोजिस बनेंगी। इन ग्लूकोजिस को हम क्या कहते हैं? स्टार्च। क्लियर है? अब ये मुझे बताओ कि नॉर्मली H2O और CO2 से क्या बनता है? H2CO3। यहां H2CO3 बना है कि नहीं? क्यों नहीं बना है? सनलाइट है। अब एक एसिड नहीं बना है, H2CO3 नहीं बना है। जब H2CO3 नहीं बना है तो एसिड नहीं बनेगा, पीएच एसिडिक नहीं होगा, पीएच बेसिक हो जाएगा। क्यों? H2CO3 फॉर्मेशन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? हमारे पास पीएच हाई होगा, हाई का मतलब है बेसिक होगा। बेसिक पीएच में एक एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेज। ये जो फास्फोराइलेज है ये स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है। ये किसकी ब्रेकडाउन करता है? स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है। स्टार्च की ब्रेकडाउन वाटर की मौजूदगी में होगा। यार ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? और इससे क्या चीज बनेगा? ग्लूकोजिस बनेगा। तो यार मुझे मुझे बताओ, मुझे बताओ, यही वो स्टार्चेस है ना, यही वो स्टार्च है ना। स्टार्च, स्टार्च किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। स्टार्च का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च इनसॉल्युबल इन वाटर है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। डीपीडी इंक्रीज है या डिक्रीज है? क्यों डिक्रीज है? वाटर ज्यादा है। अब ग्लूकोज सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? वाटर में सॉल्युबल है, तो वाटर पोटेंशियल क्या है? कम। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? तो डीपीडी कम है या ज्यादा है? और ज्यादा डीपीडी में इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा या एक्सोस्मोसिस? इंडोस्मोसिस। क्यों? ये मैं गार्ड सेल का जिक्र कर रहा हूं। सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल की ज्यादती कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए सराउंडिंग सेल से पानी गार्ड सेल के अंदर आएगा। इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर इन गार्ड सेल, गार्ड सेल बिकम टर्जिड, स्टोमेटा विल बिकम ओपन। हुस्ना अला सुचत का कोई क्यों कहना कोई? हुस्ना, हुस्ना रेज योर हैंड। अब बताओ। यस सर, समझ आ गई। लेकिन मैं आपको फिर से कह रही हूँ, वो मुझे प्रेशर और वो पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल के एडिशन से वाटर पोटेंशियल बनता है, ये समझ नहीं आती। किस से? वो इक्वेशन नहीं है सर, मुझे वो उसकी समझ नहीं आती। इसकी तो शुक्र है आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से आई समझ इसकी। यार यहाँ देखो, ये आप इस इक्वेशन का जिक्र कर रहे हैं। आप इस इक्वेशन को, ये तो मैंने बताया कि वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल ये वाटर पोटेंशियल को कम करता है और प्रेशर पोटेंशियल उसको ज्यादा करता है। ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है ये नेगेटिव है, नेगेटिव, और जो प्रेशर पोटेंशियल है ये टेंड टू फॉर्म पॉजिटिविटी। अब मैंने बताया मेरे पास एक बीकर में 5 ml वाटर है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अब इसी बीकर में मैंने 5 g साल्ट डाला तो वाटर पोटेंशियल कम है। अब मेरे पास वाटर पोटेंशियल कम है क्योंकि साल्ट मैंने ज्यादा डाला है। अब इस साल्ट की कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए इस बीकर में मोर एंड मोर वाटर ऐड करो। व्हेन यू आर एडिंग मोर एंड मोर वाटर टू अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट एडिशन ऑफ मोर एंड मोर वाटर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल। तो अगर आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल है -2000 और अगर उसमें आपने पानी डाला, लेट सपोज माइनस आपने 1500 पानी डाला, तो ये से माइनस कर दो, -500 आएगा, तो आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल में कमी आ रही है तो डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। उसमें पूछ भी जी सर, ज्यादा पूछ भी करना आप जी, खुदा नेगेटिव वाली वाटर पोटेंशियल को पॉजिटिव ही सल्यूट पकी वाच है, नेगेटिव की बनो। सही सही सही, मैं देखो बातों को रहा
सही सही न करना जान पोई का वाटर पोटेंशियल जीरो दे जीरो पॉजिटिव दे कने दे ये जीरो पॉजिटिव है या नहीं है ये मुझे जवाब दो। जीरो बीच में होता है ना, पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। नहीं पॉजिटिव है, अल्लाह की बंदे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर इसमें मैंने साल्ट ऐड किया तो साल्ट मैंने ऐड किया वाटर पोटेंशियल को कम करो, तो कम करने का मतलब ये है मैं प्लस वन की तरफ जाऊंगा या माइनस वन की तरफ आऊंगा? माइनस वन की तरफ जी, इसीलिए तो सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव है। और फिर उसको दोबारा पॉजिटिव बनाने के लिए हम मजीद पानी डालते हैं तो वापस पानी ऐड करें हो जाता है, पोटेंशियल कहते हैं। ठीक सर, जदा कर ले सर। तो यहां पर क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, सो और ये गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या होगा, गार्ड सेल जब टर्जिड होता है तो इस तरह शेप होता है, बीच में स्टोमेटा क्या है, ओपन है। शाबाश, इसको जल्दी जल्दी क्लियर करो, शाबाश शाबाश शाबाश, ताकि स्ट्रोमेटा रिमेन्स क्लोजेस एट नाइट टाइम। Remains closed stomata remains closed at night time, yaad hai kushabash, H2O guard cell mein available hai, CO2 available hai, क्लोरोफिल अवेलेबल है, लेकिन सनलाइट नहीं है। अब अगर सनलाइट नहीं है तो H2O और CO2 से H2CO3 बनेगा, तो H2CO3 एसिड है या बेसिक है, तो ये सॉल्यूशन को एसिडिक करता है, सेल कंसेंट्रेशन को, या बेसिक, तो ये क्या करता है, शाबाश, ये हमारे पास पीएच को लो बनाता है। लो पीएच का मतलब क्या है, जी 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 जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। वेरी मूव का मतलब क्या है, एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब जब एसिडिक है तो दिन के वक्त जो ग्लूकोज बने हैं, दिन के वक्त क्या बने हैं, शाबाश, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था ना, तो वो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज में क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, कम, और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। तो जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम अपोजिट एक्टिविटी करता है, फॉस्फोराइलेज ये अपोजिट एक्टिविटी करता है। अब बेसिक पीएच में इसने स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया था,
ग्लूकोज इसमें। अब एसिडिक पीच में ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? इन्वर्टेड एक्टिविटी करेगा। तो यहां क्या होगा? शाबाश, स्टार्च बनेगा। अब ये मुझे बताओ, स्टार्च सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल? तो इनसॉल्युबल का मतलब है वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? तो ये मुझे बताओ, डीपीडी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज? वाटर ज्यादा है ना, एक्सोस्मोसिस होगा या एंडोस्मोसिस होगा? अब अगर एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर हो रहा है, अगर एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो गार्ड सेल्स, ये मुझे बताओ, टर्जिड होंगे या श्रिंक होंगे? गार्ड सेल्स क्या होंगे? शाबाश, श्रिंक। और श्रिंक में स्ट्रोमेटा ओपन होता है या क्लोज? इस तरह होता है श्रिंक, इस तरह होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन अब इसके मुताबिक भी स्टोमेटा ये ओपन इन डे टाइम। याद है कुशाबश? यहां देखो, डे टाइम में क्या होता है? डार्क रिएक्शन देखो, RuBP जो कि 5 कार्बन शुगर है, इसके साथ CO2 मिल जाता है, CO2 में 1 कार्बन शुगर है, एक्सोज बाइफॉस्फेट बन जाता है, एक्सोज बाइफॉस्फेट 6 कार्बन शुगर है, ये डिवाइड होता है 2 PGA मॉलिक्यूल में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 3 कार्बन शुगर है। अब इसके साथ एक CO2, चूंकि दिन का टाइम है, CO2 बहुत ज्यादा है, तो एक कार्बन इसके साथ क्या चीज अटैच होता है, और ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल, और उसका नाम क्या है? ऑक्सालो एसीटेट। ये बनाता है, ये भी इस तरह 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है? ऑक्सालो एसीटेट। ये ऑक्सालो एसीटेट बनाता है। ऑक्सालो एसीटेट क्या है? 4 कार्बन। अब ये जो ऑक्सालो एसीटेट है, ऑक्सालो एसीटेट डायरेक्ट बनाता है क्या चीज? मेलेट। हर एक ऑक्सालो एसीटेट क्या बनाता है? मेलेट। और मेलेट भी क्या चीज है? 4 कार्बन शुगर है ना। अब मेलेट से दो चीजें बनते हैं, एक हाइड्रोजन आयन और एक मेलेट आयन। एक क्या चीज बनता है? हाइड्रोजन आयन। और दूसरा क्या चीज बनता है? शाबाश, मेलेट आयन। तो एक इसमें हाइड्रोजन आयन बनता है और दूसरा इसमें क्या चीज बनता है? मेलेट आयन। अब जरा गौर से देखो, दिन के दौरान मैंने आपको बताया था कि दिन के दौरान
पीएच होता है, पीएच होता है हाई। हाई का मतलब क्या है? बेसिक गार्ड सेल का पीएच दिन के दौरान क्या होता है? हाई। हाई का मतलब क्या है? बेसिक। लेकिन ये क्या, गार्ड सेल के अंदर तो हाइड्रोजन आयन पैदा हुआ है, तो हाइड्रोजन आयन को हम निकालेंगे, आउट करेंगे, हाइड्रोजन आयन को गार्ड सेल से निकालेंगे। इट इज एनिक्शन। इसके रिएक्शन में बाहर से पोटाशियम आयन अंदर आएगा। वो पोटाशियम आयन, यार ये पोटाशियम आयन है, आयन का मतलब साल्ट है, साल्ट का मतलब सल्यूट है, तो ये पोटाशियम मेलेट बनाएगा। तो साल्ट आ रहा है बाहर से, साल्ट पोटाशियम आयन आ रहा है। आयन आने का मतलब ये है कि सल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है और वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है? इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर। इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर से स्टोमेटा रिमेन्स ओपन, और रात को ये प्रोसेस अपोजिट हो जाता है। रात को ये प्रोसेस क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। यहां पर याद देखो, शाबाश। फूड रिच एरिया को हम प्लांट में सोर्स कहते हैं, सोर्स ऑफ एसिमिलिटीज। और जहां पर फूड लिस एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? सिंक। अगर फूड का सोर्स टू सिंक, फूड का सोर्स टू सिंक जाना, ये कहलाता है क्या चीज? शाबाश, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या चीज कहलाता है? ट्रांसलोकेशन क्या चीज? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब ट्रांसलोकेशन के लिए, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, प्रेशर मास हाइपोथेसिस। ट्रांसलोकेशन के लिए क्या चीज है शाबाश? कौन सा हाइपोथेसिस है? प्रेशर मास। ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ कि हम जो डिफिनेशन करते हैं फ्लूइम का, कि फ्लूइम क्या काम करता है शाबाश? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये फूड क्या होता है? ये सक्रोज होता है। सक्रोज टेबल शुगर है। हम जब किचन में टेबल शुगर रखते हैं और बाहर काम के लिए जाते हैं और जब वापस रूम में आते हैं, तो जिस जगह पर हमने टेबल शुगर रखा है वो उस जगह से हिलता भी नहीं है, तो फिर हम किस तरह कहते हैं कि हमारे पास फ्लूइम एक ऐसा सेल है जिसमें फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। असल में क्या होता है? फ्लूइम स्यूट्यूब, उसमें सोराह है। सोराह है क्या चीज है? यहां देखो, मैं स्यूट्यूब की तरफ दोबारा जाता हूं और वहां ये इसको क्लियर करता हूं। अब यहां देखो शाबाश, यहां देखो प्लीज। ये क्या है? सक्रोज। सक्रोज क्या होता है? बहुत मूवमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। और जाइलम और फ्लूइम तो निक्जीक होता है। जाइलम और फ्लूइम में क्या होता है? लेटरल पिट्स होते हैं कि नहीं? तो जाइलम से पानी निकलता है लेटरल पिट्स पे, जाइलम से पानी निकलता है लेटरल पिट्स से, और वो पानी दाहिल होता है। किधर दाहिल होता है? स्यूट्यूब में। अब पानी की प्रेशर की वजह से, पानी की प्रेशर की वजह से द मास ऑफ सक्रोज मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ट्रांसलोकेशन। प्रेशर कौन लगाता है शाबाश? वाटर कहां से आता है? जाइलम से, लेटरल पिट्स के जरिए स्यू प्लेट में इनटू द स्यू ट्यूब। और मास क्या है शाबाश? सक्रोज। इसके बाद होम्योस्टेसिस इम्प्लांट्स में हमारे पास क्या चीज है? हाइड्रोपाइड्स। वो प्लांट्स होते हैं जो ज्यादा वाटरी एरिया में होते हैं,
रूट हेयर्स नहीं होते क्योंकि वाटर ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके ज्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे। मीजोपाइट्स नॉर्मल एनवायरमेंट प्लांट्स है, अगर वाटर ज्यादा अवेलेबल है तो ज्यादा ट्रांसपायरेशन, कम अवेलेबल है तो कम ट्रांसपायरेशन। इसके लीव्स के ऊपर क्यूटिकल होता है। ज़ीरोपाइट्स, ज़ीरोपाइट्स वो प्लांट जो डिजर्ट में होता है, डिजर्ट में पानी कम अवेलेबल होता है तो लीव्स थ्रोन्स बनाते हैं, संकन स्टोमेटा होता है और उसके लॉन्ग रूट्स होते हैं, ट्रांसपायरेशन इंतहाई कम बल्कि नहीं करते। हेलोपाइट्स वो प्लांट जो साल्टी कंडीशन में रहते हैं, साल्टी कंडीशन में भी ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं लाइक ज़ीरोपाइट्स, मतलब संकन स्टोमेटा भी होता है, लॉन्ग रूट्स भी होते हैं और कम ट्रांसपायरेशन भी करता है। एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। थर्मोरेगुलेशन के लिए लो टेम्परेचर प्लांट से, अगर टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा है तो प्लांट ज्यादा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके अपनी सरफेस जगह को वेट बनाता है ताकि अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाए मैं जल्दी से वाटर को एब्जॉर्ब करूंगा। और लो टेम्परेचर प्लांट में प्लांट थिक बार्क बनाएगा ताकि बाहर की जो सर्दी है ये अंदर जाइलम फ्लोएम को इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे। क्लियर है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक दफा ये नाइट के वक्त का बता नहीं, ऊपर वाला ये जो पोटेशियम थ्योरी है। तो नाइट के टाइम पर हमारे पास मेलेटाइन नहीं बनेगा, मेलेट नहीं बनेगा, मेलेट जब मेलेट नहीं बनेगा तो मेलेट आयन मेलेट बनाएगा। अब मेलेट आयन से मेलेट बनता किस तरह है, पोटाशियम वापस बाहर जाएगा और हाइड्रोजन वापस अंदर आएगा। हाइड्रोजन के अंदर आने से मेलेट आयन और हाइड्रोजन मिलकर क्या चीज बनाते हैं, मेलेट। अगर मेलेट बनता है तो फिर स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड। सही। और सर जब आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर कराया तो किसी ने हमें लिंक ही नहीं भेजा जी। सर वो जो आपने रिप्रोडक्शन आज पढ़ाया है ना जी जी सर, उस वक्त हमें किसी ने। वालेकुम सर। सलाम फरीद बाचा सिंह है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल खैर खैरियत से सर। दीपक सिंह इलाका सर जी। जी फरीद भाई फलदर जी आओ। जी जी संगे सर जी खैर दे खैरियत से होए करना फरीद जान रखे सर जी। दा ट्रांसलोकेशन लग बिया समझाओ के सर जी नो खबर है सर जी। इलाका इलाका स्टडी मो को तो वजह मुसलमान आडियो बदर लीगी خیر دے سر جی بیا اسم یو منٹ لگے کورتا مزما 90 منٹس میں کورتا مزل لے ہاں سر تے پوس لو کول جی دا واٹر پوٹینشل کنا صرف موومنٹ اف واٹر دا وجہ نہیں دا سٹور سٹورڈ واٹر دا وجہ نہیں کنا سر واٹر پوٹینشل خبر رکھوں آو آو یعنی دا سٹورڈ واٹر او موونگ واٹر دوانہ دا وجہ نہیں ہاں اگر تے پوس और ट्रैकिड्स का ना, ट्रैकिड्स और सीव ट्यूब द ऑल प्लांट्स के मौजूद भी का ना अलावा ज़ीब्रायोफाइट्स के। आओ थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम जी। सर ये आपने बताया ना कि पोटेशियम जब पोटेशियम गार्ड सेल में एंटर होगा तो सर यहाँ पोटेशियम इनफ्लक्स होगी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी पोटेशियम पंपिंग के जरिए, तो सर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी एटीपी से, एटीपी से थ्रू जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है सर। ज़ैनब जी। ज़ैनब सलाम वालेकुम सर। जी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने पूछना था कि एंड में आपने कुछ बताया था ना कि वो टेम्परेचर जब कम होता है या सर्दी होती है तो उसके लिए क्या अडेप्टेशन होती है प्लांट की, फ्लोएम और ज़ाइलम को ना लगे? अच्छा, टेम्परेचर अगर कम है, बाहर टेम्परेचर कम है, सर्दी है, तो अगर ये सर्दी प्लांट के अंदर चला गया तो प्लांट के अंदर हमारे पास जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है
ये तो वाटर की प्रेशर की वजह से होती है। प्लांट के अंदर फिर वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, और जब प्लांट आइस में कन्वर्ट होगा और प्लांट के अंदर वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो फिर फूड सोर्स टू सिंक्स नहीं जाएगा, प्लांट विल्ट होगा। तो विल्टिंग से बचने के लिए प्लांट थिक बार्क एडॉप्ट कर लेता है। इज इट क्लियर Zainab? Zainab? Yes, sir. Thank you. It's clear. You? No. Ji Shah Abdullah. Assalamu alaikum, sir. Assalam, ji. Sir, ji, mung ta khoyling ke 8 baje rasan kado. Da ga pe sara khub ya. Question me da, sir, ji, ji, da kam xerophytes thi, matlab desert plants thi. Ita ho water availability ni. सर ये ही सिंगल ट्रांसलोकेशन कही वाटर सिंगल आगुनी से शे कही पर वाटर अवेलेबिलिटी होता तुम नहीं सर वाटर कमी न सर ये ट्रांसलोकेशन सिंगल कही ट्रांसलोकेशन यार जी सर फूड ट्रांसफर यार ट्रांसलोकेशन तो पर आस फॉर रेगुलेशन हो कि ना आस फॉर रेगुलेशन माने अर्स बैलेंस रहा वाली उन ट्रांसलोकेशन भी आ कही करना न सर ये सर खुद तुम रहा वाटर नहीं चाहिए दाशे लिखी वाली नहीं वाली दाशे गप दिसर مسلمان اولی مخبل کمی پورا کی کنا زانیا واتر والی او ٹرانسپائریشن کم کی تو واتر وہ تو ایبنڈنٹ بھی کنا سیدہ ٹھیک ہے سر جی ماہم سر السلام علیکم السلام جی سر یہ واتر روٹ سے لیف تک کیسے اگینسٹ گریویٹی کیسے جاتا ہے یہ ٹیکس میکینزم پہ جاتا ہے टेंशन फोर्स है टेंशन फोर्स एंटी ग्रेविटी फोर्स टेंशन के साथ कोहेशन और एडहेशन भी होता है कि मिलकर केपिल भी एक्शन बनाता है यस सर थैंक यू थैंक यू शागरदार